Let's learn and earn from your home. Learning with earning. उसके बाद फॉर्मेटिंग आ गई। अब फॉर्मेट का इस तरह से है कि आपने सबसे पहले चेक करना है, आपने देखना है उस आर्टिकल को ओवरऑल अच्छा लग रहा है, हेडिंग और सब हेडिंग में बताया वो यूज करनी है आपने, बुलेट और नंबर लिस्ट यूज करनी है अगर आप यूज कर सकते हो तो। ये नहीं करना कि एक जगह पे आप कोई भी चीज यूज नहीं कर सकते लेकिन फिर भी आप उसको यूज कर रहे हो। लाइक आप कहीं पे बुलेट पॉइंट्स नहीं डाल सकते, आप कहो कि नहीं मैं फिर डालू यहाँ पर या बहुत अच्छा लगेगा, भी नहीं डाल रहे तो नहीं डालो, मतलब बहुत इम्पेरेटिव नहीं है, जस्ट इस तरह के ये देखने में अच्छा लगे सिर्फ इसलिए, और मतलब रीडर को अट्रैक्ट करे। ठीक है, जहाँ पे नहीं डाल सकते वहां पे ना डालें, मतलब बहुत ही ज्यादा जरूरी नहीं कि डालें ये करने के चक्कर में आप अपना आर्टिकल खराब कर देंगे, ये चीज नहीं करनी। ठीक है, जहाँ पे नहीं डल रहे वहां पे नहीं करने। और जो फंड की बात है कि आपका वो ठीक है, कंटेंट अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, वो आप मर्जी सेट कर सकते हैं, या जो ऑलरेडी वहां पे स्टाइल्स दिए हैं आप वो भी यूज कर सकते हैं। और स्पेसिंग जो है वो बिल्कुल वहाँ पे आप अपने जो भी बंदा है जिसके लिए आप आर्टिकल लिख रहे हो वो भी आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, अगर वो ना दे तो सिंपल जो डिफॉल्ट आ रही है वो भी यूज कर सकते हैं। लाइक ऐसा होता है कि हम एकेडमिक राइटिंग में डबल स्पेसेस यूज करते हैं, मतलब एक पेज पे हमारे आई थिंक 200 समथिंग वर्ड्स आते हैं, तो वो हम डबल लाइन स्पेसिंग यूज कर रहे होते हैं उसकी वजह से। ठीक है, और इम्पोर्टेंट आइडियाज आपने हाईलाइट किए हुए या नहीं किए हुए, लाइक अगर एक बंदे ने आपको कीवर्ड दिया है पर्सनल हाइजीन का, ठीक है कीवर्ड दिया है, तो आप उसमें उस कीवर्ड को आपने बोल्ड करके उसे बताना है कि यहाँ पे मैंने ये कीवर्ड यूज किया हुआ है। ये कीवर्ड वाला मैं आपको एसईओ के रिलेटेड जो भी राइटिंग होगी मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, तो आपको उससे और ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। अभी ये सिर्फ एक फॉर्मूला है जो आप हर तरह की राइटिंग में यूज कर सकते हैं। ठीक है, और आपकी ये फॉर्मेटिंग भी क्लियर हो गई यहाँ पर, एंड देन आपका ये जो सारी चीजें मैंने आपको भी बताई हैं, कंटेंट स्ट्रक्चर लैंग्वेज फॉर्मेटिंग, ये सारी चीजें ठीक हो गई। उसके बाद कंटेंट का भी बता दिया मैंने, स्ट्रक्चर का भी बता दिया, लैंग्वेज का भी बता दिया। ठीक है, बाकी ये आप देख लें कि आपकी राइटिंग एक्यूरेट है, एरर फ्री हो गई और कॉन्टेंट अच्छा भी लग रहा है आपका, ये सारी आपने एवेल्युएशन में ये सारी चीजें चेक कर लेनी है। ठीक है, देन आपने रिव्यू की स्टेज आ गई, अब ये हमारी लास्ट स्टेज है, तो इसमें आपने ये मेक श्योर करना है कि कंटेंट जो है वो ओवरऑल ठीक है। आप जब लिख लोगे तो एट द एंड जब आप उसको लाइक उसके एरर्स भी ठीक कर लोगे तो एंड पे आके आप लोगों ने ये चीज देखनी है कि पढ़ना है उसको एज अ रीडर कि भाई ठीक है ओवरऑल, और फिर उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है उस रीडर पे, जो आप डिजायर्ड आपका इफेक्ट है वो पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, या वैसे आपने जस्ट लिखने की है बस ठीक है हो गया। और वो वही बात है कि आप उसी टाइम पढ़ेंगे तो इतनी को खास आपको समझ नहीं आएगी, अगले दिन पढ़ लें या टाइम नहीं है तो एक घंटा आप रिलैक्स कर लें देन उसके बाद पढ़ें। और एक बात है कि आप उसको ऊंचा ऊंचा पढ़ें, मतलब खुद को सुनाएं कि मैं खुद को सुना रहा हूँ या सुना रही हूँ, ये चीज बहुत लाइक अच्छी जाती है। और आप इस तरह से भी कर सकते हो कि आप लाइक पहले आप शुरू से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको पता चलेगा ओवरऑल ठीक जा रहा है, देन आप उसको एंड से भी पढ़ो, मतलब लास्ट पैराग्राफ पढ़ो देन सेकंड लास्ट, देन इस तरह से करके आप अपने पैराग्राफ पढ़ोगे तो वो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, और बिल्कुल वही बात है कि परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करनी, आपने ये नहीं सोचना कि भाई मैं बिल्कुल परफेक्ट बन जाऊँ या कुछ ऐसा जो भी है।